प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहस छिड़ी तो सवालों का बवंडर भी उठा। सभी पार्टियां इस मामले को अलग अलग एंगल दे रही, अपने अपने ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन कर रही, लेकिन देश भर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वोटों की राजनीति प्रधानमंत्री की जान से भी बड़ी है? क्या वोटों की फसल और चुनावी हार जीत का खेल देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी बड़ा है? क्या चुनावी दांवपेच और सियासी बयानबाजी की बिसात हाई सिक्योरिटी वाले अति संवेदनशील मामलों से भी बड़ी है? ये सवाल जब टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में उठे तो नए नए पहलू सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में जो हुआ वो सबने देखा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो चूक हुई उसकी टीस पूरे देश में महसूस की गई। पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर सियासत का मीटर 360 डिग्री घूम गया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता महामृत्युंजय जाप से लेकर हर तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए दुआएं की जा रही हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासतदान पीएम के काफिले पर ही सवाल उठा रहे हैं, दौरे के तरीके पर ही उंगली उठा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में सियासी दिग्गजों के जमावड़े में जब पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का सवाल सामने आया तो पंजाब के डेप्यूटी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मामले को अलग ही मोड़ दे दिया। एसपी जी किस लिए रखी है? प्राइम मिनिस्टर के लिए। एनएससी क्यों बैठी है साथ? क्यों आईबी बैठी है? उनका हमसे ज्यादा है। आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, जितने बैठे हैं बैठने नहीं देंगे, वो कहेंगे बाहर बैठ। उन्होंने कहा 15 से 20 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर खड़े रहे, वो किसकी गलती है? प्राइम मिनिस्टर को रोड पर एक आधा मिनट भी वहां खड़े नहीं करना चाहिए था। उनको इमीडिएटली वहां से यू टर्न लेकर सेफ जो पैसेज था वहां से लेकर जाना। पंजाब के डेप्यूटी सीएम रंधावा यही नहीं रुके, उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का ठीकरा पंजाब पुलिस की बजाय पीएम के काफिले और एसपीजी पर ही फोड़ दिया। मतलब अगर पंजाब में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार से ज्यादा एसपीजी को करना होगा। रंधावा के मुताबिक पंजाब के डीजीपी को आधे घंटे पहले बताया गया कि पीएम सड़क से जाएंगे। अब हम आपको वो जानकारी देते हैं जो टीवी 9 भारतवर्ष को मिली। पंजाब पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इंटरनल मेमो जारी किया था। आला अधिकारियों को पहले से सुरक्षा की जानकारी दी गई थी, रोड ब्लॉक की आशंका जाहिर की गई थी, डायवर्जन प्लान बनाने की भी सलाह दी गई थी, अल्टरनेटिव ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार ने जब पंजाब पुलिस को लिखा पत्र जारी किया तो ये खुलासा हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही गड़बड़ी का अंदेशा जता दिया था। किसानों के जमावड़े को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था, यहाँ तक कि एसएसपी को खुद मुआयना करने के लिए लिखित निर्देश दिए गए थे। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करने को भी कहा गया था ताकि अगर रोड ब्लॉक जैसे हालात का सामना करना पड़े तो उसे तुरंत खुलवाया जा सके। जारी किए गए आदेशों में बारिश की वजह से सड़क के रास्ते वीवीआईपी मूवमेंट के लिए अल्टरनेटिव रूट्स तय रखने के भी निर्देश दिए जा चुके थे। लेकिन घटना के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा को लेकर चिंता और व्यथा जाहिर की तो पंजाब सरकार ने इसे भी अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की। जो उन्होंने कहा कि अपने सीएम को बोल देना कि मैं पंजाब से बचकर जा रहा हूं, पंजाब हिंदुस्तान का दिल है, अपनी छाती पर हमने गोली खाई है, 65, 71 और 62 की अगर चाइना की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा कोई कुर्बानी दी है तो वो पंजाबियों की कुर्बानी है। सबसे ज़्यादा आज भी तिरंगे में कोई लाश आ रही है तो वो पंजाबियों की है। हमें आप ये बोल कर जाएंगे कि अपने सीएम को बता देना, बोल देना कि मैं पंजाब से बच कर जाऊं, हम आतंकवादी हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में डेप्यूटी सीएम का भी वही सुर सुनाई पड़ा जो पंजाब के सीएम पहले ही जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक पीएम की प्रस्तावित रैली में पर्याप्त लोग नहीं आए थे, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश में सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के सवाल पर पंजाब सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पंजाब सरकार की एक बड़ी नाकामी है कल की घटना, और उससे भी लोग जब जाएंगे तो ये डिसीजन में देखेंगे कि जिस सरकार के पास में इतनी हैसियत नहीं है या जिससे इतना मैनेज नहीं हो रहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ठीक इंतजाम कर सके, या उसमें कहीं कोई कोताही ना हो, तो वो पंजाब के लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, साजिश थी या लापरवाही, ये सवाल अब पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सभी पार्टियां इस मामले को अलग अलग एंगल दे रही हैं, अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रही हैं, लेकिन सियासतदानों का सुरक्षा से ज्यादा बड़ा मकसद है पंजाब चुनाव। आज हालात क्या है पंजाब में? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं है, डेली यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रही है, सैक्रिलेजेस भी हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आता है और एक पंजाब की सड़क में वो चल नहीं सकता, सो कमी किसके ऊपर है? पंजाब गवर्नमेंट के। प्रधानमंत्री साहब, मैं पूछना चाहना कि साढ़े किसान वीर साड़ी पग 1.5 से 2 साल दिल्ली दियां ब्रूहां दे उत्ते बैठी रही, लंगर आप चलाउंदी रही, दिल्ली नूं खाना खवाउंदी रही, ते मैनूं दसो और 1.5 साल उत्थे पए रहे ते तुहाडे किसे मीडिया मुड़िया ने कख नहीं बोलिया, कल थोनू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी ठोको ताली टका। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से प्राण घातक खिलवाड़ हुआ तो घातक तीर बीजेपी के तरकश से भी निकला। बीजेपी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को सीधे पाकिस्तान, खालिस्तान और कांग्रेस की साजिश करार दिया। बीजेपी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए कि कांग्रेस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी बिठा दी है, लेकिन सवाल है कि पीएम के काफिले में हुई सुरक्षा चूक के मामले पर राजनीति क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।